बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय वेरी डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एज ऑल ऑफ यू नो कि हम आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे हैं, जिसमें जो है हमने नाउन कर लिया, उसमें जो नाउन की टाइप्स थी, काइंड्स थी, और फिर उसके बाद सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, और फिर उसके बाद उसकी तमाम रूल्स जो है करेक्शन के, वो भी हमने डिटेल से पढ़े लास्ट लेक्चर में। और अब जो है हम मूव कर रहे हैं प्रोनाउन की तरफ। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। एक ऐसा लफ्ज जो कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ गुड बॉय। अब अली इज नाउन, अली क्या है? नाउन है। अब अली की जगह हम क्या लगाएंगे? ही। जब हम ही लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ये प्रोनाउन। अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। तो ये क्या है? ही क्या है? प्रोनाउन है। ही इज डूइंग हिज वर्क, लाइक ही, यहाँ पे ही अगेन, दिस इज प्रोनाउन। आई रोट अ लेटर टू हिम, हिम जो है, दिस इज ऑल्सो प्रोनाउन। अब ये इसमें जो है टाइप्स हैं प्रोनाउन की, ये हम डिटेल से देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद कैटेगरीज ऑफ प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और एक केसेस ऑफ प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन से क्या मुराद है? जो हम अपनी बात करते हैं, जैसे सिंगुलर में आ जाते हैं आई, मैं, और सेकंड पर्सन होते हैं यू, तुम। थर्ड पर्सन जो यहाँ मौजूद नहीं है और उसकी हम बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं ही, शी, इट। सिंगुलर, एनी सिंगुलर इज थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में अपनी बात कर रही हूँ, आई एम, आई वॉज, आई हैव, आई हैड, और सेकेंड पर्सन यू, यू आर, यू वर, और थर्ड पर्सन ही, शी, इट। और प्लूरल क्या होता है इनका? आई का प्लूरल वी, सेकेंड पर्सन यू का प्लूरल भी यू होता है, और थर्ड पर्सन जो है ही का प्लूरल दे, शी का प्लूरल दे, इट का भी दे, और सिंगुलर कोई भी हो उनमें हम जो है वो दे इस्तेमाल करते हैं। अब ये केसेस ऑफ प्रोनाउन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो है जब हम इंग्लिश लिखते हैं या पढ़ते हैं, दिस इज क्वाइट इजी कि हमें बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है और वर्ब जो है उसका आपस में एक जैसा होना चाहिए। एक जैसे से क्या मुराद है? इफ द सब्जेक्ट इज इन द सिंगुलर फॉर्म, द वर्ब शुड बी इन द सिंगुलर फॉर्म टू। अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आपने वर्ब भी प्लूरल लगाना है। लेकिन हम मिस्टेक कहाँ पे करते हैं? हम मिस्टेक वहां पे करते हैं जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं। प्रोनाउन के भी आगे केसेस हैं, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है, या इसको दूसरे लफ्जों में सब्जेक्टिव केस कहते हैं, वो होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, हु। ये कैसे यूज होते हैं? ये सारे के सारे सब्जेक्ट की फॉर्म में यूज होते हैं। और इसके जो इसी का जो है पोजेसिव केस, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? मलकियती। आई, मैं, माई, मेरा, माइन, मुझे, मी, मुझे। जब आपने इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है तो आपने ये वाली फॉर्म लिखनी है, आई, माई, मी, वी आर अस, यू योर यू, ही हिज हिम, शी हर हर। अब यहाँ पे जो होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सब्जेक्टिव केस में ये वाला लिख देंगे, और पोजेसिव केस उसी का लिखना हो तो दूसरा कोई लिख देंगे केस, और ऑब्जेक्टिव लगाना हो तो वो उसका कोई और फॉर्म लगा देंगे। तो इसमें क्या होता है, ये हम रूल्स में डिटेल से पढ़ेंगे ये भी, कि आपने जो सब्जेक्टिव केस होगा उसी का ही पोजेसिव केस लगाना है। आई लव माई कंट्री, वी लव आर कंट्री, यू लव योर कंट्री, ही डज हिज ड्यूटी, शी रीड्स हर बुक। तो आपने सब्जेक्ट के मुताबिक ही उसका पोजेसिव केस लगाना है, ये आपने बहुत ध्यान से करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स कौन सी है? जिस तरह हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ी थी, इसी तरह काइंड्स ऑफ प्रोनाउन भी है। देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन्स। पहला होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले नेम पढ़ते हैं, देन वी विल रीड इन डिटेल।
reflexive pronoun, emphatic pronoun, demonstrative pronoun, indefinite pronoun, distributive pronoun, relative pronoun, and interrogative pronoun. These are the kinds of pronoun. अब ये क्या है, अब इनको डिटेल से देखते हैं. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्स का आपको मतलब ही पता होगा ना, रिफ्लेक्स होता है कि when when any action comes back to you. When self, this word self is added to my, my, our, him, her, जब इन प्रोनाउन के साथ सेल्फ लगा दिया जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है. एड सेल्फ्स टू आर, योर, देम, वी गेट अ कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स, दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन्स. इसमें होता क्या है, व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को तकलीफ दे दी. यू विल हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को तकलीफ दे लोगे. ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को तकलीफ दी. द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, वी हर्ट आवर सेल्फ. व्हेन एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक टू द सब्जेक्ट, जो एक्शन उसने किया उसी से उसको तकलीफ हुई. ठीक है, व्हेन द एक्शन कम्स बैक टू द पर्सन, दिस इज called reflexive pronoun. अब reflexive pronoun हमने इस्तेमाल कहाँ करना होता है sentence में, ये देखिए. They are used as object of a subverb when the action of the verb returns to the doer, when the subject and object are the same person. जब subject भी वही है और object भी वही है, यानी हम अपने ऊपर एक I cut myself, अपने आप कट लगा लिया. He saved himself, उसने अपने आप को बचा लिया. Tom and Anne blamed themselves for the accident. Tom and Anne अपने आप को blame कर रहे थे जो हादसा हुआ. They are used after a preposition. Prepositions के बाद भी इस्तेमाल किया जाता है. जैसे he spoke to himself, खुद से बातें कर रहा, उसने अपने आप से बातें की. They looked at themselves in the looking glass. वो अपने आप को शीशे में देख रहे थे. ठीक है, तो आपने प्रेपोजिशन के बाद जो है इसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाना होता है. अब आपने इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो आपने नोट करना है, दे लुक्ड एट ईच अदर इन द लुकिंग ग्लास, रेसिप्रोकल है. ठीक है, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आप देख रहे हैं और आप अपने आप को वापस आ रहे हैं. एक्शन, आई कट माई सेल्फ, ही सेव्ड हिमसेल्फ, टॉम एंड एन ब्लेम्ड देमसेल्फ्स फॉर द एक्सीडेंट. अच्छा, ये रिपीट हो गई चीजें. नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, इम्फेटिक प्रोनाउन. इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं, व्हेन कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन्स आर टर्न्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइजिंग, जब एम्फसाइज करना हो, जोर देना हो, तब आप इसे यूज करते हैं. दे आर कॉल्ड इम्फेटिक प्रोनाउन्स और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन. ठीक है, I myself saw him do this. मैंने खुद देखा उसे ये करते हैं. ठीक है, I myself too saw. We will see it to ourselves. हम खुद देखेंगे. You yourself can best explain. तुम खुद बेहतर इसकी वजाहत कर सकते हो. When जब आपने जो है pronoun, emphatic pronoun तब इस्तेमाल किया जाता है जब जोर देना मकसूद हो. तुम खुद, ठीक है, they themselves admitted their guilt, उन्होंने खुद अपना जो है guilt को admit किया. Place of emphatic pronoun in the sentence. अब हमने देखना है कि इसको इस्तेमाल कहाँ पे करना है emphatic pronoun का. They usually emphasize the subject of the sentence and is then placed after the subject. Subject के बाद place किया जाता है इसको. कहाँ, ये subject and. And क्या है, ये subject है, उसके बाद हमने emphatic pronoun लगा दिया. And herself opened the door. And ने खुद दरवाजा खोला. इसी तरह Tom himself went. Tom खुद गया. So यहाँ पे हमने subject के बाद जो है इसे लगाना था. वहां पे हमने क्या किया था, preposition के बाद. Alternatively, it can be placed after the object if there is one. अगर object मौजूद है, उसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं ना था, उसमें ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट आर द सेम. जब आपने
जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इम्फेटिक में जब ऑब्जेक्ट मौजूद हो तो आपने क्या करना है उसके बाद लगाना है. टॉम ओपन द डोर ही हिमसेल्फ. अब डोर क्या है, दिस इज ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद हमने लगाया जो है हिमसेल्फ आफ्टर एन इंट्रेंसिटिव वर्ब और इंट्रेंसिटिव वर्ब के बाद लगाते हैं. अब जी नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या मतलब होता है, दिस इशारा करना, दिस ये वो दोनों पता है ना. द प्रोनाउन्स यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स टू विच दे रेफर एंड देयरफॉर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. जैसे दिस दैट दीज दोस, ठीक है. दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माय अंकल, ये मेरे अंकल की तरफ से तोहफा है, तो ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव दीज आर मियरली एक्सक्यूजेज, ये सिर्फ ऐसे बहाने ही है. बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज बेटर देन दैट, जब आप करते हैं दिस दैट दोस दीज, तो ये क्या है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब इसमें आप नोट करें दिस एंड दैट दीज एंड दोस आर एडजेक्टिव्स व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन्स, जब ये नाउन्स के साथ इस्तेमाल किए जाएंगे दिस दैट दीज दोस, तो ये क्या होंगे एडजेक्टिव्स होंगे. दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है. That pen is yours, ये पेन तुम्हारा है. ये चीजें हैं, ये सारे क्या है नाउन है. सर ये नाउन माइन, और ये क्या है प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन. ये क्या है ये नाउन है, ये क्या है एडजेक्टिव है. Demonstrative adjectives are only adjectives that agree with the nouns and they agree only in number, not in gender. Number से बिल्कुल match करते हैं, gender से इसका ताल्लुक नहीं है. This book, that pen, these books, ये क्या है adjective, demonstrative adjectives. अच्छा जी अब आते हैं जी definite, indefinite pronoun. Indefinite pronoun कौन से होते हैं, refer to persons or things in a general way. But do not refer to any person or thing in particular. General बात करते हैं, कोई भी. All, some, somebody, nobody, few, many. जब आपने definite नहीं होते, indefinite होते हैं. Refer to any person. जब आप किसी किसी को भी किसी का भी हवाला दे दें, कोई भी. Any x y z. Thing in particular, they are called indefinite pronouns. One, none, all, some, somebody, nobody, few, many, any, nobody, anybody, everyone. ठीक है, indefinite pronoun refers to pronouns, persons or things in a general way. General way से आपने refer करना हो तब आप उसे कहते हैं indefinite pronoun. One hardly knows what to do. One hardly knows. One of any specific person to nahi hai, anyone. Many people were present in the meeting. Somebody has stolen my watch. Kisi ne meri ghadi chura li. Kaun hai? No one knows. So this is indefinite pronoun. Anybody is getting greeting me. Theek hai? Koi mujhe greet kar raha hai. All came except William. Sab aaye. Ab sab kaun hai? No one knows. Some people are born great. कुछ तो पैदाइशी जो होते हैं अजीम होते हैं. So none is the shortened form of not one. None किसका short form है? Not one का. Yet it is commonly used with plural verb. अमूमन ये plural verb के साथ इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? Not one. None of his points are well known. None but fools have ever believed it. We did not see any of them again. Any fool can do that. ठीक है? Indefinite adjectives, most of these words may also be used as adjectives. Adjectives के तौर पे भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Indefinite adjectives के तौर पे. I will take you there one day. ठीक है, मैं आपको वहां लेके जाऊंगा किसी एक दिन. He is a man of few words. वो मतलब कम वो है. Some milk was spilled. कुछ दूध है वो उछल देंगे. अच्छा जी नोट कर देखते हैं इसमें क्या है. In referring to anybody, everybody, everyone, anyone, each,
The pronoun he or she is used according to the context. I shall be glad to help every one of my boys in his studies. अब यहाँ पे क्या है, लड़कों की बात हो रही है, इसने आपने his studies किया. अब distributive pronoun कौन से होते हैं? Distributive pronoun से मुराद है each, either, neither are all distributive pronouns because they refer to pronouns or things one at a time. For this reason, they are always singular and take a singular verb. Each take its turn. Each took its turn. Either you can go. So each, either, neither are called distributive pronouns because they refer to pronouns or things one at a time. For this reason, they are always singular. ठीक है, हमेशा singular होते हैं. Yes, each. Each is used to denote every one of a number of person or things taken singularly. Neither and either should be used only in speaking of two persons or things. Either of two is hard working. Neither of two is at fault. So each is used to denote every one of a number of person or things taken singularly. इसी तरह neither and either should be used only in a speaking of two persons. जब दो के लिए इस्तेमाल होगा तब either neither use करना है, each इस्तेमाल करना है everyone के लिए. अब क्या है इसकी डिटेल, each, either, neither are used as adjective when they are followed by singular nouns. Each boy took his turn. The two men hate each other. They cheated on one another. अब relative pronoun क्या होता है, relative pronoun होता है जैसे जिसका किसके साथ relation हो. जैसे let us examine these three sentences. I met Henry who had just left. Curly. The word who is used instead of noun Henry. अब यहाँ पे Henry नहीं लिखा, उन्होंने कहा Henry जो के. अब Henry जो है ये क्या है, जिंदा इंसान है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, who relative pronoun आएगा, does work of pronoun. I have found the pen which I had lost. अब which क्यों लगाया, pen के लिए ये है बेजान, pen क्या है बेजान. अब Henry क्या था, जानदार था, इसलिए उसके साथ who लगाया. अब pen क्या है, बेजान है, non living thing है, इसलिए इसके साथ हमने which pronoun लगाया. The word which joins two statements, it does the work of a conjunction. जब दो अल्फाज दो जुमलों को मिलाने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जाते हैं उसको हम कहते हैं कंजंक्शन. हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी. अब यहाँ पे दैट जो है ये कंजंक्शन है. द वर्ड विच इज कॉल्ड रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट. अब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कौन सा होता है, सवालिय प्रोनाउन. जैसे हु सवालिया. The pronoun used for asking question are called interrogative pronouns. जो कि सवाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम interrogative pronoun कहते हैं. Who is here? What is the matter? Which do you refer? Tea or coffee? Who gave you knife? Nominative case में who इस्तेमाल करेंगे. Whose possessive case इसका. Whose is this book? Whom did you see? ये इसका accusative case है. अब हु जो है इसको हमने कहाँ इस्तेमाल करना है, हु को हमने इस्तेमाल करना होता है पर्संस के साथ, इंसानों के साथ. हु स्पोक कौन बोला, हु गोस देयर कौन वहां पे जाता है, हु इज नोकिंग एट द डोर कौन दरवाजे पे दस्तक देता है. विच आपने इस्तेमाल करना होता है फॉर बोथ पर्संस एंड थिंग्स एंड इट इम्प्लाइज रिलेशन. जैसे विच इज योर फ्रेंड, ठीक है. विच आर योर बुक्स, विच बुक्स इज योर्स. One of my friend has gone home. इसी तरह what जो है, the use of what is used for things, only what have you found. Things के लिए हमने इस्तेमाल करना होता है सिर्फ what. और I have found my pen. What do you want? I want tea. What are those marks on your coat? What books have you read?
which way shall we go? ठीक है. Since personal pronoun is used instead of a noun, it must be of the same number, gender and person as the noun for which it stands. जैसे he should do his duty. My duty नहीं होना चाहिए, देखने गलत ये होती है mistake. He should do my duty लिख देते हैं students. So he should do his duty. She should do her duty. So personal pronouns जो होते हैं in their आपने इसका जो है possessive केस बनाना हो तो आप उसमें apostrophe लगाते हैं. I'm yours sincere नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं लगा. We don't take. जब आपने पर्सनल प्रोनाउन के साथ आपने इसका बनाना हो पोजेसिव केस तो आप इसमें जो है अपोस्ट्रोफी के साथ ऐसे नहीं लगाते. आई एम योर सिंसियरली. द काउ फेल एंड ब्रोक इट्स लेग. सो द प्रोनाउन प्रीसीडिंग अ गेरंड इज इन इट्स पोजेसिव केस. आई लाइक हिम रीडिंग बुक. आई लाइक हिज रीडिंग बुक. पॉइंट. The he objected to me shouting at him. He objected to my shouting at him. But this is the end of pronoun. These were some detail about pronoun, its types, its kinds, its cases, and how they are used in a sentence. और इसमें किस तरह से आपने जो है सब्जेक्टिव केस के मुताबिक इसका जो है आपने पोजेसिव केस लगाना होता है प्रोनाउन का. इसकी टाइप्स हमने पढ़ी है पूरी डिटेल से. हमने होपफुली आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी. इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप इसके कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं. ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.